सिरमौर जिला के गिरिपार के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ गुर्जर समुदाय हाईकोर्ट पहुंच गया है। गुर्जर समाज ने केंद्र सरकार द्वारा हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के फैसले पर विरोध जताया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई और इस मामले में केंद्र सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया। इस मामले में 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। गुर्जर समाज की ओर से केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट ने कहा कि गिरिपार के गुर्जर समाज के लोगों ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का विरोध करते हुए कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की है। इनकी दलील है कि हाटी समुदाय एसटी का दर्जा देने के मापदंड पर खरा नहीं उतरा। एसटी का दर्जा देने के लिए शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ापन, एथनिक ग्रुप सहित कई मापदंड है जिसको हाटी समुदाय पूरा नहीं कर रहा है। अधिवक्ता ने कहा कि गुर्जर समुदाय की दलील है कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया है, चाहे वह छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का, लेकिन कुछ ऐसा वर्ग है वह साधन संपन्न है, यह वर्ग एसटी के मापदंड पूरा नहीं कर रहा है। गुर्जर समुदाय का कहना है कि हाटी को 7 दर्जा देना एक राजनीतिक फैसला है, इसमें साधन संपन्न लोग शामिल है। गुर्जर समुदाय की यह भी दलील है कि एसटी का दर्जा देने के बाद इनको इन संपन्न लोगों के साथ आरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, इसमें वे पिछड़ जाएंगे। मामले को लेकर गए हैं, ये ऐसा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट्स को एक वो स्टेटस देने का, तो उसके लिए एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है कि शेड्यूल ट्राइब कौन होंगे। अब जो एक कम्युनिटी है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जिसको हाटी के नाम से जाना जाता है, उसको अभी रिसेंटली शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया है, जिसको इस पिटीशन में चैलेंज किया गया है। और चैलेंज करने वाले हैं एक गुज्जर समाज जो ऑलरेडी एक शेड्यूल ट्राइब हैं। इनका कहना है कि शेड्यूल ट्राइब्स बनने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्राइटेरिया फिक्स किया है। उस क्राइटेरिया में क्या है कि नंबर वन, एक बैकवर्डनेस उस इलाके में उन लोगों की होनी चाहिए। नंबर दो, वो एथनिक ग्रुप्स होने चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए, एजुकेशनल बैकवर्डनेस होनी चाहिए। तो इनका कहना है कि ये एक पॉलिटिकल मोटिव के अंडर एक ज्योग्राफिकल एरिया को, जिसको हम गिरिपार के नाम से जानते हैं, उसको शेड्यूल ट्राइब, वहाँ के जो रहने वाले हैं, चाहे वो हायर कास्ट के हैं चाहे वो लोअर कास्ट के हैं, उन सब को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे दिया गया है। और इनका कहना है जो हायर क्लास के, जैसे हायर कास्ट के जो लोग हैं, जैसे ब्राह्मण्स हैं, राजपूत्स हैं, वो इकोनॉमिकली एक बहुत बेटर कंडीशन में हैं, एजुकेशनली बेटर कंडीशन में हैं। और वहाँ का एक गाँव है गिरिपार का जो एशिया का रिचेस्ट विलेज है। तो इन लोग, ये लोग जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स देने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। और इसलिए गुजर समाज का कहना है कि ये अगर हायर कास्ट के लोग अगर शेड्यूल ट्राइब के की डेफिनेशन में आते हैं, तो उनको जो बेनिफिट मिलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के, वो सब वो लोग ले जाएंगे, क्योंकि वो एजुकेशनली बेटर हैं, वो इकोनॉमिकली बेटर हैं, दे आर इन पोजिशन टू हैव बेटर एजुकेशन। जबकि गुजर समाज जो है ये नोमैडिक लोग हैं, ये चरवाहे हैं, पहाड़ों में रहते हैं, इनके पास ना स्कूल्स हैं, इनके पास ना कोई बहुत अच्छा साधन है अपनी आजीविका कमाने का। तो इस कारण से इस पिटीशन में ये जो स्टेटस ग्रांट किया है, ये चैलेंज किया गया। और सर, आज जो हुआ किनकी अदालत में लगातार, क्या इसमें फैसला हुआ? ये चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ जस्टिस ज्योत्सना रिवाल जी की अदालत थी, उसमें इस केस के ऊपर सुनवाई की गई। और सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसमें जो भी जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन सबको नोटिस इशू किया है कोर्ट ने, और ये कहा है कि रिप्लाई फाइल करेंगे और केस अब लगेगा 18 दिसंबर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा।